ये दो तीन तरीके थे जो गर्मियों में आपके पानी की भी बचत करेंगे, आपके पौधों को भी मरने से बचाएंगे। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं किशोर मुकाती और आप देख रहे हैं मल्टीपर्पज गार्डन। दोस्तों मेरे पास में 200 से ज्यादा पौधे हैं, आप देख सकते हैं। और गर्मियों का सीजन चल रहा है और अप्रैल का महीना चल रहा है और हमारे यहाँ पर जो टेम्परेचर है लगभग 41-42 डिग्री अभी है, लेकिन ये और बढ़ेगा धीरे धीरे। तो गर्मियों में सबसे बड़ी समस्या पानी की होती है। कभी कभी हमें समझ में नहीं आता है कि पानी हम हमारे घर के उपयोग के लिए यूज करें या हमारे पौधों को देने के लिए उपयोग करें। तो आज का जो मैं वीडियो बना रहा हूं दोस्तों कि हम कम पानी में हमारे पौधों को कैसे बचा सकते हैं और अतिरिक्त पानी की बचत कैसे कर सकते हैं। दोस्तों मैंने हमारे गार्डन में तीन सिद्धांतों का उपयोग किया है, जो कि सबसे पहला तो सेड नेट है जो पानी का उत्सर्जन को कम करता है। दूसरा मैंने ड्रिप लगाया। दोस्तों मैं विशेष तौर पर इसी के ऊपर चर्चा कर रहा हूं कि ये आप देख सकते हैं, ये हमारा ड्रिप सिस्टम पूरा लगा हुआ है, 200 पौधों में कंप्लीट लगा हुआ है और हर पौधे को अपनी जरूरत के आधार पर पानी मिल जाता है। दोस्तों तो आइए मैं बताता हूं इसको मैंने कैसे सेटअप किया। दोस्तों सबसे पहले तो आप देख सकते हैं ये लेटरल डाल रखी मैंने, ये 16 mm की लेटरल है और ये क्लास 2 की लेटरल है जो अच्छी क्वालिटी की है। दूसरा इसमें इसको कनेक्ट करने के लिए ये फीडर लाइन है, ये 4 mm का होता है दोस्तों, जो इसको इससे कनेक्ट करता है। तीसरी चीज होती है ये कनेक्टर होती है दोस्तों, इसको कनेक्ट करने के लिए कनेक्टर होता है ये। और कनेक्टर के साथ में दोस्तों आप देखेंगे ये दो प्रकार के ड्रिपर का हमने यूज किया है। एक ड्रिपर जो आप देखेंगे कि पानी का फ्लो जो है वो लगभग 4 लीटर प्रति घंटे के हिसाब से है, और दूसरा ये वाला जो ड्रिपर है ये 12 लीटर पानी 1 घंटे में पानी को डिस्चार्ज करता है। जिस तरह से ये हमारे छोटे पौधे हैं दोस्तों, तो इसमें हमने 4 लीटर वाला ड्रिपर यूज किया है। और जैसे ये मनी प्लांट हुआ या थुजा का पौधा हुआ, ये थोड़े साइज में बड़े और इनकी वाटर रिक्वायरमेंट ज्यादा है, तो इसमें हमने 12 लीटर वाला ड्रिपर यूज किया दोस्तों। और कहीं कहीं पर बीच बीच में हमने कनेक्टर भी लगा रखे हैं और स्टॉप करने के लिए टोटी भी लगा रखी है दोस्तों पानी को। जैसे आप देख सकते हैं कि इन पौधों की वाटर रिक्वायरमेंट कम है, तो यहाँ पर मैंने एक टोटी एक्स्ट्रा लगा दी है कि इनकी कम है तो मैंने इनको बंद कर दिया और आगे के पौधों को पानी मिलता रहेगा दोस्तों। तो आइए मैं बताता हूँ कि ड्रिप मैंने किस तरह से सेट करी है। तो ड्रिप सेट करने के लिए दोस्तों ये जो हमारा ड्रिप सिस्टम है, केवल इसमें सामग्री का खर्चा आया है, सामग्री के अलावा किसी प्रकार की कोई इलेक्ट्रिसिटी का खर्चा नहीं है। और बिल्कुल निःशुल्क तरीके से जैसा हमारी टंकी में पानी भरता है, उसी पानी के साथ में हमारी ड्रिप सिस्टम चालू हो जाता है। दोस्तों ये हमारी छत पर टंकी है पानी की, इसके लिए पानी का पाइप तो नीचे से ऊपर आया ही था, उस पानी की पाइप के साथ में मैंने एक टंकी छोटी सी और रख दी है लगभग 150 लीटर की। इस टंकी का मुख्य उद्देश्य दोस्तों यह है कि ग्रेविटी के बेस पे पानी आराम से ऊपर जाए। तो दोस्तों इसको भरना और ओवरफ्लो का भी सिस्टम मैंने एक ही साथ कर दिया है कि इस टंकी का जो पाइप था, जो हमारी मुख्य टंकी है, जो हमारे यूज की पानी की टंकी है, इसका पाइप मैंने उसमें कनेक्ट कर दिया और ऊपर से एक और पाइप इसमें वापस अंदर डाल दिया। आप देख सकते हैं यहाँ पर कि ये पाइप वापस नीचे आ रहा है, तो पानी का ओवरफ्लो नहीं होता है दोस्तों। वाल सिस्टम दे दिया है, आप देख सकते हैं ये वाल है, अभी हमने वाल बंद कर दिया तो हमारी ड्रिप लाइन बंद हो गई है। और इसके भी 2 सब वाल दे दिए हमने, आप देख सकते हैं 2 अलग अलग लाइन जा रही है। तो जैसे छोटे पौधों को पानी नहीं चलाना है तो हमने बंद कर दिया, बड़े पौधों को पानी चलाना है तो इसको चालू रखा, या छोटे पौधों को कम पानी चलाना है तो इसको थोड़ा सा खोल दिया, और बड़े पौधों को ज्यादा चलाना है, तो ये मतलब हमारे विवेक के आधार पर इसको सेट कर सकते हैं दोस्तों। और ये लाइन आप देख सकते हो इधर कितने सारे पौधे लगे हुए हैं, उधर भी पौधे लगे हुए हैं, और हम जैविक तरीके से सब्जी उत्पादन भी करते हैं दोस्तों। तो आप देख सकते हैं शोभायमान पौधे भी लगे हुए हैं और अच्छी हाइट पर, मेरी कमर के ऊपर हाइट पर लगे हुए हैं, जिनको पानी देने की जरूरत नहीं पड़ती है दोस्तों। दूसरा सबसे जरूरी तरीका दोस्तों पानी बचाने का ये है कि हमने फोगर सिस्टम सेट कर रखा है। दोस्तों गर्मियों में आप देख सकते हैं पौधों की पत्तियां जलती है, क्योंकि दोपहर के समय लू चलती है, और दोपहर के समय में लू चलती है, साथ में पत्तियां अपनी नमी खो देती है, जिसके कारण पत्तियां जलना शुरू हो जाती है। तो ये फोगर सिस्टम है, इसको हम दोपहर के समय में लगभग 5 मिनट चलाते हैं, और 5 मिनट में ये लगभग 1 से 2 लीटर पानी का कंजम करता है दोस्तों, और हमारे सारे पौधों का टेम्परेचर डाउन हो जाता है और हमारे पौधों के ऊपर नमी स्टोर हो जाती है दोस्तों, जिससे आप देख सकते हैं मेरा एक भी पौधा नहीं मर रहा है। तो दोस्तों ये 2-3 तरीके थे
जो गर्मियों में आपके पानी की भी बचत करेंगे, आपके पौधों को भी आप देख सकते, आपके पौधों को भी मरने से बचाएंगे, दूसरा आपका बहुत सारा समय भी बचाएंगे, क्योंकि इतने सारे पौधों को पानी देना बहुत बड़ा टास्क होता है दोस्तों। अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद दोस्तों।